नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। पीएम मोदी कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ और ही कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी और ठेकेदारों को खाने की नेक सलाह दे रहे हैं और खाने का तरीका भी बता रहे हैं। साथ ही उनके खाने की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लोग तंज कस रहे हैं। एक तरफ उस तस्वीर में केशव के सामने जरूरत से ज्यादा खाना परोसा गया है, तो दूसरी तरफ वो खुद जनता के पैसे को खाने का तरीका बता रहे हैं। भ्रष्टाचार का नमक खिलाएंगे केशव मौर्य, सड़क के भ्रष्टाचारियों को डिप्टी सीएम की सलाह, जनता के पैसों को दाल में नमक की तरह खाओ। जब सूबे का डिप्टी सीएम और निर्माण विभाग का मुखिया ऐसी नेक सलाह देगा, तो कौन भ्रष्टाचारी न मर मिटेगा। गड्ढा मुक्त यूपी के नाम पर जमकर खाने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों की तो जैसे बाछे खिल गई हो। खाने का हिसाब लेने की बजाय लोक निर्माण मंत्री जी तौल का तरीका बता रहे हैं कि खाए तो कितना खाए और कैसे खाए। आप कोई भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं कहता कोई ठेकेदार कमाएगा, लेकिन ठेकेदार अधिकारी मिलकर के अगर सड़क के नाम पर पैसा लाएंगे और सड़क नहीं बनाएंगे, खा जाएंगे, तो ना कोई ठेकेदार ठेकेदारी करने पाएगा, न कोई अधिकारी ऐसा नौकरी करने पाएगा। यह हमारी सरकार का फैसला है। हम भ्रष्टाचार सब कुछ चाहते करो, लेकिन दाल में जैसे नमक खाया जाता है वैसे खाओ। दाल में नमक की तरह खाओ। कमाई करना, व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सोचोगे जनता का वो हिस्सा उसको लूटोगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटने वालों पर क्षमा नहीं किया जाता है। अब केशव ने तो दाल में नमक की तरह खाने की सलाह दे दी और हरी झंडी मिल गई खाने वालों को। अब दाल में नमक डाले या नमक में डाले, जब मंत्री जी का इशारा मिल गया तो कैसी फिक्र। खुद मंत्री जी के लिए जब टेबल भर कर खाना परोसा जा सकता है, तो ठेकेदार और अधिकारी क्यों नहीं खा सकते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर देखिए। अकेले केशव मौर्य कुर्सी पर बैठे, पूरी टेबल खाने से भरी है। खाली प्लेट देखकर लग रहा है और भी कुछ आने वाला है, और आधा दर्जन लोग हाथ बांधे खड़े हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। इस तस्वीर की सच्चाई क्या है ये तो साफ है, लेकिन लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी भूख नहीं मिटती, कोई कह रहा है खा लो, पता नहीं कल हो ना हो, खाऊंगा लेकिन खाने ना दूंगा। कुछ कमेंट आपत्तिजनक भी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ठेकेदार भी इस तरह खाएंगे तो जनता क्या करेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाना है लेकिन कितना खाना, कितना कम खाना, इसका वो जिक्र कर गए, इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, उप मुख्यमंत्री का जो बयान है खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर के, कमाई को लेकर के, उन्होंने ठेकेदारों की तरफ जरूर इंगित किया है, लेकिन उन्होंने संकेत जो दिए हैं वो अपने हिस्से की बात की है उन्होंने, क्योंकि जो मंत्री उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को खुलेआम सार्वजनिक तौर पर प्रोत्साहित कर सकता है, निश्चित तौर पर उसका अपना स्वार्थ उसमें जरूर होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं है। ठेकेदार जितना मार्जिन मनी हो सकता है, जो लाभ लिया जाना चाहिए, जो न्यायोचित तरीके से वो ही केवल ले, इससे अतिरिक्त किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कुल मिलाकर डिप्टी सीएम की सलाह भ्रष्टाचारियों को खुश करने वाली है। पहले ही ठेकेदार और अधिकारियों ने गड्ढा मुक्त अभियान के नाम पर पेट, अब दाल में नमक के नाम पर तो जैसे भरपेट खाने के बाद बस इतना मिठाई मिल गई। फिर रिपोर्ट समाचार। सरकार जाने के बाद सपाइयों का सियासी संतुलन बिगड़ गया है। शब्दों से शालीनता तो जैसे गायब ही हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तक ऐसे बयान दे रहे हैं कि किसी को भी शर्म आ जाए। पीएम मोदी और सीएम योगी की कोई संतान नहीं है, इसी को लेकर राम गोविंद चौधरी उन्हें मनहूस बता रहे हैं। साथ ही अकाल, बच्चों की मौत और ट्रेन एक्सीडेंट का दोषी भी।
नाम में राम, मुंह में जहर। राम गोविंद चौधरी भूले सियासी मर्यादा। नेता प्रतिपक्ष का अशुभ निशाना। पीएम मोदी और सीएम योगी पर लांगती शालीनता। किसी का चेहरा कैसा है इसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार है। किसी की संतान है या नहीं ये उसका निजी विषय है, लेकिन संतान न होना किसी को अशुभ कैसे बना सकता है ये सियासी शालीनता लागने वाले राम गोविंद चौधरी बता रहे हैं। सबसे बड़े सूबे के सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन बोली भाषा का लिहाज ही भूल गए राम गोविंद। सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाने के लिए जैसे शब्द ही नहीं बचे उनके पास। तभी तो बदजुबानी की साइकिल पर सवार हो गए राम गोविंद। बोले मोदी और योगी की औलाद नहीं है इसलिए वो देश और प्रदेश के लिए अशुभ है। अब अकाल भी पड़ेगा, बच्चे भी मरेंगे और ट्रेन भी टकराएंगे। नेताओं से सियासी सुचिता की उम्मीद की जाती है, लेकिन मन का मैलापन मर्यादा को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उन्होंने जो बोला है वो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू धर्म में ये सच है। पुराने लोगों ने, जो हम लोगों ने कहावतों में सुना है, पुराने लोग जो कहते हैं वो यही मानता है जो नेता विरोधी दल ने कहा है। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी ने जो कहा है उन्होंने वही उसी सनातन धर्म की बात की जिस सनातन धर्म की बात, जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी करती चली आई है। तो ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि एक हिंदुत्व में कहीं ना कहीं लिखित हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी। हालांकि इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है। 16 मई 2014 को जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी, तभी यदि सबक ले लिया होता तो समाजवादी पार्टी की दुर्गति विधानसभा के चुनाव में 2017 में न हुई होती। इस प्रकार के स्तरहीन बयानों से समाजवादी पार्टी के नेताओं को परहेज करना चाहिए। क्या राम गोविंद चौधरी को अपने पद और कद का भी लिहाज नहीं है? शुभ और अशुभ के फेर में सपा नेता सारी शालीनता को स्वाहा कर चुके हैं। आखिर कैसे निसंतान होना अकाल के लिए जिम्मेदार हो सकता है? कुशीनगर से समाचार प्लस के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। चुनाव जीतने से पहले खुद को कंगाल दिखाते हैं और चुनाव जीतते ही माला माल हो जाते हैं। पता नहीं कैसे कुबेर सांसदों और विधायकों पर मेहरबान हो जाते हैं। जिन सांसदों और विधायकों की संपत्ति चुनाव जीतने के बाद बढ़ी है उन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है और सरकार को भी जांच में देरी पर फटकार लगाई है। अब ऐसे दर्जनों सांसद और विधायकों की सूची सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने वाली है जो अचानक से मालामाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब जागेगी सरकार। चुनाव जीतते ही मालामाल कैसे हो गए माननीय? चुनाव से पहले गरीब, चुनाव बाद धन कुबेर कैसे बन गए? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो केंद्र सरकार ने नेताओं की संपत्ति में होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी की जांच की बात कही। लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। संपत्ति में इजाफे को लेकर एक एनजीओ ने उठाए सवाल। अचानक कैसे बढ़ रही विधायक और सांसदों की संपत्ति? 37 सांसदों और 257 विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। इस बात की ताकीद कोर्ट में आयकर विभाग ने भी की और बताया कि कुछ नेताओं की संपत्ति चुनाव जीतने के बाद तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। 7 सांसदों और 98 विधायकों की संपत्ति की हो रही जाँच। कुछ सांसदों और विधायकों के खिलाफ शुरुआती जाँच में सबूत मिले। 42 विधायकों का शुरुआती आकलन भी किया जा रहा है। 12 सितंबर को इन लोगों के नाम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिए जाएंगे। वो जात और मजहब के धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वो उस दल का है या उस पार्टी का है, जो भी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का हो, कार्रवाई करके सरकार को जांच करानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन भी प्रतिनिधियों
की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है उनकी जांच होगी। अगर उन्होंने मेहनत से और उनका वाइट पैसा होगा तो वो अपना दिखा देंगे, और जिनका अगर काला धन है या गलत तरीके से कमाया हुआ होगा उन पे कार्रवाई होगी। यदि किसी की संपत्ति में कोई वृद्धि होती है तो इनकम टैक्स तमाम सीबीडीटी तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो उसकी जांच करती हैं। आज राजनीतिक दलों को मिलने वाला 20,000 रुपए से के चंदे की लिमिट घटा करके 2,000 रुपए करना तो इसका उदाहरण है। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आनी चाहिए, चुनाव में खर्च कम होना चाहिए, चुनाव सुधार की व्यापक एक परिदृश्य में इन सारी चीजों का निराकरण होना। इससे पहले जस्टिस जे चिलमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठा था और पूछा था कि क्या कभी नेताओं की ओर से संपत्ति को लेकर दी गई जानकारी की जांच हुई है। बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा था कि एक ओर तो सरकार चुनावी सुधार की बात करती है और दूसरी ओर संदिग्ध मामलों की जांच की तारीख भी नहीं बताती। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद सरकार ने उन सांसदों विधायकों की संपत्ति की जांच कराने का फैसला किया जो चुनाव जीतते ही धन कुबेर बन गए। रिपोर्ट समाचार प्लस। खुश श्रीमान जी बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। बीजेपी सबको बाहर शौच ना करने की सलाह दे रही है। महिला सम्मान और सुरक्षा के लिहाज से घर में शौचालय बनाने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन बीजेपी के लखनऊ कार्यालय में उल्टा हो रहा है। 2 साल पहले पुरुष शौचालय बन गया, लेकिन महिलाओं का ध्यान अब आया है। बीजेपी के टॉयलेट में दिया तले अंधेरा, सड़क पर सफाई, घर में गंदगी, घर का कीचड़ कब हटाएंगे कमल वाले। बीजेपी कार्यालय में खुली स्वच्छ भारत मिशन की पोल। बीजेपी को नहीं है महिला कार्यकर्ताओं की फिक्र। हर घर में शौचालय, कार्यालय में कुछ नहीं। क्या बाहर जाएंगी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता? क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते। डिग्निटी ऑफ विमेन क्या हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभालने के बाद से सबसे ज्यादा जोर सफाई पर दिया। बिना शौचालय के महिलाओं की परेशानी का जिक्र कितने भाषणों में किया। पूरे देश में शौचालय को लेकर मुहिम छिड़ी, कितने की सरकारी विज्ञापन आए, फिल्में तक बनी, लेकिन जो शौचालय का सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे उन्होंने इसमें पलीता लगा दिया। जब बीजेपी कार्यालय में दिया तले अंधेरा नजर आया, घर घर में शौचालय बनाने की बात करने वाली भाजपाई अपने कार्यालय में ये काम न कर पाए। बीजेपी कार्यालय में लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए पैसा नहीं। कार्यालय का जीर्णोद्धार हुआ लेकिन लेडीज टॉयलेट नहीं बना। दुनिया की सोच बदलने चले अपनी ना बदल पाए। आखिर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कहां जाए? खुले में शौच रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन लखनऊ कार्यालय में लेडीज टॉयलेट ना बना पाए। 2 साल पहले पूरे प्रदेश कार्यालय का जीर्णोद्धार किया गया था और उसे सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। जीर्णोद्धार के समय कार्यालय भवन से अलग परिसर के अंदर ही जेंट्स टॉयलेट का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन लेडीज टॉयलेट की याद किसी को नहीं आई। ये सरकार बनने के 6 महीने बाद यानी पीएम के लाल किले से पहले भाषण के 3 साल बाद बीजेपी को इसकी सुध आई है। बहुत ज्यादा ज्यादा 2 महीने। ये जो शुरुआत हुई है निर्माण कार्य, उससे पहले यहाँ पे टॉयलेट था? यहाँ पे नहीं, इसके बगल में टॉयलेट है, वो जेंट्स टॉयलेट है। अब ये मेरे को नहीं मालूम, देख लो बगल में। यहाँ कोई टॉयलेट नहीं था, जहाँ मैं निर्माण कर रहा हूँ वहाँ पे पहले कोई टॉयलेट नहीं, उसके बगल में टॉयलेट बना हुआ है। विपक्ष बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल उठा रहा है, महिला सम्मान के दावों और सुरक्षा की चिंता पर निशाना साध रहा है। आरएसएस के एजेंडे में न तो कभी दलित रहा है न तो महिलाएं रही हैं, इसलिए महिलाओं का सम्मान की तो बात ही नहीं कहा जा सकता है। और जहां तक महिलाओं की और बात है, उत्तर प्रदेश में ये देख लीजिए महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं।
अब बीजेपी दलील दे रही है कि भवन के अंदर पहले से लेडीज टॉयलेट था, लेकिन असलियत यह है कि आम कार्यकर्ता के लिए यह सुलभ ही नहीं। कार्यालय भवन में जिस जगह पुराना लेडीज टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ जाने के लिए गेट हमेशा बंद रहता है, जो सिर्फ वीवीआईपी के लिए खोला जाता है, जबकि दूसरे गेट पर सुरक्षा गार्ड मुस्तैद, जो खास लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत देता है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हर रोज होने वाली जन सुनवाई में आने वाली महिलाओं और यहां आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाली महिला कार्यकर्ताओं की लेडीज टॉयलेट न होना एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ महिला टॉयलेट है, अंदर महिला टॉयलेट है, बाहर बन भी रहा है, और अंदर महिलाओं के लिए कोई रोक भी नहीं है, वो जा भी सकती हैं। सवाल ये भी है कि अगर दो साल पहले जीर्णोद्धार के समय कार्यालय भवन के बाहर और बीजेपी के परिसर के अंदर जेंट्स टॉयलेट तैयार हो सकता है, तो उसी समय समानता की बात करने वाली बीजेपी ने लेडीज टॉयलेट का निर्माण क्यों नहीं कराया। लखनऊ से समाचार प्लस के लिए हरिन चौधरी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बीजेपी विधायक की नींद उड़ी हुई है, रात रात भर थाने पर धरना देते नजर आ रहे हैं। वजह है एक अपराधी का हवालात में पहुंचना। पुलिस ने आधा दर्जन मामलों में वांछित अपराधी को क्या पकड़ा। बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा बेचैन हो उठे और अब पुलिस पर जुए और अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं। फिरोजाबाद में बीजेपी विधायक की थानेदारी, अपराधी जेल में, बीजेपी विधायक की उड़ी नींद। लूट के आरोपी को छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक बेचैन, ये माननीय है मुकेश वर्मा, शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक। अचानक से इन्हें क्या हुआ कि थाने पर फर्श बिछा कर बैठ गए। जाने क्यों इनकी रातों की नींद उड़ गई, जाने कौन सा गम था कि रात के 12 बजे भी थाने पर थे। आपको कुछ बताएं उससे पहले सुनिए। क्या मिलेगा क्या मतलब आज चौकी पे आ जा तू। सुन सुन, तेरे घर से सब उठा के ले आ रहा हूँ मैं। अब मिल तो जाओ ठाकुर साहब, कहाँ हो, हम तो डर गए आपसे, मिल तो जाओ, कहाँ हो। अच्छा, जो अभी आपने फोन पर बहस का बीप ज्यादा सुनी, उसमें एक है मटेसना चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार और दूसरा जिससे शब्दों को बिना बीप के हम आपको नहीं सुना पा रहे, वो शख्स है पुरुषोत्तम सिंह। लगभग आधा दर्जन मामलों में मुकदमे दर्ज है इस पर। असल में बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा इसी के लिए बेचैन परेशान है, अंधेरी रात में थाने पर बैठे हैं, नींद उड़ी हुई है रातों की। दरअसल पुरुषोत्तम सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया, हवालात में क्या डाला, हालात बिगड़ गए विधायक जी के और थाने पर सियासी रस्म में सना उपदेश सुनाने लगे, अपराधी को छुड़ाने के लिए जुए और खनन की कहानी बताने लगे। देखिए जरा विधायक जी के समाज सेवा का जज्बा जो रातों को जाग रहे हैं। येसु मटसेना के पीछे ये यहाँ पर जुआ कराते हैं और खनन कराते हैं, और अगर इनकी कोई भी आदमी मना करता है तो ये उसको गलत मुकदमों में दाखिल करने की उसे धमकी देते हैं। हरे पेड़ों का कटवाना पिछले कई महीने से, लगभग 1.5 महीने से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, जुआ हो रहा है, और उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। इनके गुस्से की वजह इतनी भर नहीं है, बता रहे हैं कि कोई खनन और जुआ बंद कराने आए तो गलत बात करते हैं, लेकिन ये सुनिए जिस आरोपी को छुड़ाने आए हैं वो कैसे बात करता है। पिछले कई महीने से, लगभग 1.5 महीने से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, जुआ हो रहा है, और उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर इनकी बे ऑफ टॉकिंग बहुत ही खराब थी और इन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि आप पे जाओ, जो किया जाए तो कर लेना। तेरे घर से सब उठा के ले आ रहा हूँ मैं। इतना ही नहीं, विधायक जी कह रहे हैं वो चौकी इंचार्ज बीजेपी वालों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सुनिए जिसे छुड़ाने के लिए बेचैन है वो कैसे अपनी जाति का बखान करता है। जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आता है तो उसके साथ जाति सूचक शब्दों द्वारा उसका स्वागत करते हैं।
और तेरे एक मिनट में दबा लाने के बाद ठाकुर ने धमकी कर दी। अब इतना सब हो गया, पत्रकारों ने पूछ ही लिया कि अपराधी को छुड़ाने क्यों आए हैं, तो मुकेश वर्मा सियासत को ढाल बनाने लगे और अतीत बता दिया थाना अध्यक्ष राम गोपाल के चहेते हैं। ये भी बताया कि उनके पैर भी छूते थे। कुल मिलाकर मुकेश वर्मा की नजर में थाना अध्यक्ष सपा कार्यकर्ता है। 5 महीने पहले जिस सरकार की मानसिकता थी वही है। साथ ही जो भी ये राम गोपाल के काफी चहेते रहे, उनके पैर छूते थे ये, और उस समय भी ये ऐसे थे, है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनका दिल इनका मन सपा का ही है और ये उसी दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। यानी अपराधी को छुड़ाने आए, थाने पर दबाव बनाए, नहीं चले तो धरना देने लगे, बात उल्टी पड़ी तो जुए और खनन का हवाला देने लगे और आखिर में थाना अध्यक्ष को सपा से जोड़ दिया। जब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, गुंडे माफिया अपराधी ये हमेशा बेलगाम हुए और इनको सरकार हमेशा संरक्षण देती रही है, बीजेपी हमेशा संरक्षण देती रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है कि गुंडे माफिया और अपराधियों को वो आशीर्वाद देते हैं और उनका वो सहयोग करते हैं। कि जिस तरह की कार्यप्रणाली रही है, पुलिस ने जिस तरह से ज्यादती और जुल्म पहले किए हैं, राजनीतिक आकाओं के आधार पर लोगों को फंसाने का काम करते रहे हैं, ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों की मजबूरी भी कई बार बन जाती है कि वो जनता की आवाज को उठाने के लिए प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। सवाल उठता है, क्या बीजेपी विधायक थानेदारी करना चाहते हैं या थाने को अपने हिसाब से हांकना चाहते हैं? अपराधी को छुड़ाने के लिए क्यों उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और थाना अध्यक्ष की श्रद्धा वर्दी में है या साइकिल वाले झंडे में, ये तो वही जाने। फिरोजाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। अब कानून व्यवस्था क्यों ना बिगड़े, जहां फिरोजाबाद में बीजेपी विधायक अपराधी के लिए धरना दे रहा है, तो सिद्धार्थनगर में बीजेपी के सहयोगी अपना दल का विधायक ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट एसपी को भेज रहा है। नाम के साथ ये भी लिख रहा है कि किस पुलिस वाले का ट्रांसफर किस थाने पर करना है और इसे अपना संवैधानिक अधिकार भी बता रहा है। कानून व्यवस्था की सियासी सौदेबाजी, सिद्धार्थनगर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा, अपना दल के अपने थाने अपने ठिकाने, बीजेपी के सहयोगी बना रहे थानों में ट्रांसफर की लिस्ट। समाचार प्लस के हाथ लगी ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची। सूबे की कानून व्यवस्था हमेशा सवालों में रही, बीजेपी सरकार आते ही सीएम योगी ने इस पर सख्ती दिखाई, लेकिन हाल ठाक के तीन पार रहा। वजह भी सामने आने लगी है, बीजेपी के सहयोगी थानों पर अपने हिसाब से नियुक्ति कराने में लगे हैं। शोहरतगढ़ से अपना दल विधायक अमर सिंह एसपी को ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट थमा रहे हैं, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के नाम दर्ज है। ये भी लिखा है कि किसकी पोस्टिंग किस थाने पर करनी है। जब ये बात सामने आई तो विधायक भी इसे अपना अधिकार बताने लगे। देखिए भाई साहब, ये तो भाई जिम्मेदारी है, जनता ने जिम्मेदारी दिया है कि अगर कहीं से कोई व्यवस्था में कमी है, कहीं किसी की कोई शिकायत है, चाहे वो थाने का कर्मचारी हो, तहसील का हो अथवा ब्लॉक का हो, अगर जनमानस में हमारे विधानसभा में शिकायत आती है और हम जनता के पहरेदारी के लिए वचनबद्ध हैं, तो उसके लिए तो लिखा पढ़ी करना तो लोकतंत्र में जायज है। सत्ताधारी नेता ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं और पुलिस वाले भी अपने जुगाड़ लगाने में, ऐसे में कानून व्यवस्था का सवालों में आना लाजमी है। ये क्या आज योगी सरकार बताएगी कि कौन थाने चला रहा है, किस तरीके से थानों में पोस्टिंग हो रही है, जिलों में पोस्टिंग हो रही है, तहसीलदार जिस तरीके से पोस्ट किए जा रहे हैं? मैं कह सकता हूं कि एक नया उद्योग केवल लग पाया है सरकार बनने के बाद, वो ट्रांसफर उद्योग है। भारतीय जनता पार्टी का ये पूरी तरह से खुला हुआ एक खेल है। उन्होंने इस सरकार में चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा बन गया है, एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है, और उसी बाती गंगा में सब लोग हाथ धोना चाहते हैं। और चौधरी अमर सिंह ने जो सिफारिश की है, किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किसी भी पुलिस के अधिकारी हो, प्रशासनिक कर्मचारी हो या कोई अन्य कर्मचारी, अगर उसकी जनता के प्रति जवाबदेही ठीक नहीं होती है, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करता है, तो उसकी शिकायत करने का या उसको हटाए जाने का की सिफारिश विधायक करते ही है। आखिर जब बीजेपी और उसके सहयोगी दल कानून व्यवस्था की खरीद फरोख्त में लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा कर रहे हैं,
अपनी मनमर्जी से थानों को चला रहे हैं। अब कानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। सिद्धार्थनगर से समाचार प्लस के लिए सिंहेश ठाकुर की रिपोर्ट। गाजियाबाद में सितंबर महीने के शुरुआत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह सियासी अदावत थी और हत्या की सुपारी किसी और ने नहीं साहिबाबाद से विधायक रह चुके अमरपाल शर्मा ने दी थी। हत्या कराने के लिए 50,000 एडवांस भी दे चुके थे। सियासी अदावत ने छीन ली सांसें। पूर्व विधायक ने कराई थी बीजेपी नेता की हत्या। अमरपाल शर्मा के निजी गनर ने किया खुलासा। अमरपाल शर्मा ने दी थी गजेंद्र भाटी को मारने की सुपारी। बीते 2 सितंबर को बीजेपी नेता गजेंद्र भाटी की हत्या के मामले में शामिल शार्प शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और हत्या में जो नाम सामने आया है वो चौंकाने वाला था। साहिबाबाद से विधायक रह चुके अमरपाल शर्मा पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगा है। अमरपाल शर्मा ने 10 लाख रुपए दिए थे। किस लिए मरवाना चाहते थे अमरपाल शर्मा? वो चुनावी रंजिश थी उनकी। उन्होंने बोला कि ये चुनाव में परेशान करेगा और मुझे पब्लिक के बीच में गाली देता है और इसे इसका काम खत्म करो जल्दी। अमरपाल शर्मा के निजी गनर रहे शार्प शूटर नरेंद्र फौजी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उसे पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने ही गजेंद्र भाटी को मारने की सुपारी दी थी। गजेंद्र भाटी को मारने के लिए 10 लाख रुपए देने की बात कही थी। अमरपाल शर्मा ने 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिया था। अमरपाल शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया हत्या का मुकदमा। अब तक की जानकारी के हिसाब से ये हत्या अमरपाल शर्मा के इशारे पर उनके द्वारा कराई गई है। उनका काफी नुकसान हुआ था ये बताया जा रहा है, जिसके कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। अभियुक्त ने बताया कि उनसे 10 लाख रुपए की बात हुई थी। दरअसल बीते 2 सितंबर को खोड़ा की इंदिरा विहार कॉलोनी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बीजेपी नेता गजेंद्र भाटी और बीजेपी के खोड़ा मकनपुर मंडल अध्यक्ष बलबीर चौहान पर गोलियां बरसाई थी। अस्पताल में उपचार के दौरान गजेंद्र की मौत हो गई, जबकि उपचार के बाद बलबीर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। पुलिस ने गजेंद्र भाटी के भाई योगेश की शिकायत पर पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए शार्प शूटर नरेंद्र फौजी ने बताया कि पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर भाजपा नेता गज्जी भाटी की हत्या कराई। इसके लिए बकायदा 50,000 रुपए की धनराशि दी जा चुकी थी। बता दें कि पूर्व पार्षद प्रदीप चौधरी की हत्या में भी नरेंद्र फौजी जेल जा चुका है। राजनीति में जाते जाते बात आज के दिन की। आज स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए ऐतिहासिक भाषण की 125वीं बरसी है। विश्व धर्म महासभा में भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी विवेकानंद ने सबका दिल जीत लिया था। शून्य से शुरुआत करने वाले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भारत और हिंदू धर्म को बहुत सम्मान दिलाया। सांकेतिक आवाज में उस भाषण के कुछ अंश आपके लिए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पांस टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम व्हिच यू हैव गिवन अस। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मंक्स इन द वर्ल्ड। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजियंस एंड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as truth.